इलाके में तकरीबन 18-19 साल से रह रही हूँ। और पहले पानी का है कि पहले हम पानी तरपैन थी हमारे यहाँ, हम तरपैन का पानी पीते थे, फ़िल्टर का इधर कोई नहीं था। फिर इधर ट्यूबवेल बना, हम ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करते रहे। उसमें ना जो पहले पानी था बोर वाला था, ये ट्यूबवेल वाला पानी है ना, ये सीवरेज का और ये इकट्ठा पानी की लाइन है ना, पानी की पाइपलाइन और सीवरेज की ये इकट्ठी है। तो इसकी वजह से ना कभी जब बारिश वगैरह होती है तो पानी बहुत गंदा और बदबू वाला पानी होता है, और अक्सर तो उसमें कीड़े भी होते थे। हमने बॉटल्स में डाल के वह ट्यूबवेल पर भेजा भी था, तो उसके बाद से यानी कि उन्होंने कुछ किया होगा पानी का, लेकिन बहरहाल ना अब वैसे तो नहीं, लेकिन जब बारिश वगैरह होती है तो बहुत बदबूदार पानी और गंदा पानी, जैसे बारिश का पानी होता है वैसा पानी हमारी मोटरों में आता है। और उसके बाद ये TCF में जो प्लांट लगा है, स्कूल में जो प्रिंसिपल है हमारी, उन्होंने उनसे बच्चों से कहा कि आप अपने वालदैन से जाके कहें इधर से आप पानी भरेंगे, हमने आपके लिए पानी लगवाया है कि आपकी सेहत के लिए, तो आप ये पानी शुरू करें पीना। तो तब से हम फिर वहीं से पानी भर रहे हैं, और जब से प्लांट लगा हम तकरीबन तब से वहीं से पानी पी रहे हैं। जी हमारे मोहल्ले में पहले ये ज़्यादा बीमारी पाई जाती थी, हेपेटाइटिस की ना ज़्यादा थी, और इसके बाद अब तो काफ़ी लगता है कि बेहतरी है इस चीज़ में ना, अब नहीं सुनने में आता इतना है, लेकिन कुछ 2-4 साल पहले बहुत ज़्यादा इस चीज़ बीमारी का ना, तकरीबन हर गली में हर जगह पे ये बीमारी पाई जाती थी। पहले पेट में दर्द, बच्चों के पेट में दर्द था, बच्चों को अक्सर मोशन लग जाते थे, अब बहुत ज़्यादा इसकी मुझे तो कमी लगती है कि मैं है के। और ये ज़ाहिर पानी की वजह से ही होता है, गंदा पानी पीते हैं तो उसकी वजह से ये बीमारियां हमें मिलती हैं। और अगर कभी है कि बिजली वगैरह ना हो फिर तो मसला हो जाता है, नहीं तो जब भी जाएँ पानी तो मिल जाता है। नहीं अक्सर ऐसा ही होता है कि हमारे पास इतना पानी होता है कि हम तकरीबन एक दिन अगला दिन हमारा सुकून से गुजर जाए। अब तो तकरीबन हमारी पूरा मोहल्ला जो है ना वहीं से पानी लेकर आता है, बीच में कुछ जिनके छोटे बच्चे हैं वो बेचारियाँ रह जाती हैं, और बाकी तो सारे इधर से लेकर आते हैं।